रोड पे ना आएगा देखने के लिए, सिर्फ आएगा मुंह दिखाने के लिए। रोड बन गया रे, तोरा बाप का रोड है, तुम्हारा बाप का रोड है, यो किसी का बाप का नहीं है, यो पब्लिक का बाप का रोड है। और 5 इंची में आप देख सकते हैं 1 इंची तक का नीचे कट रहा है और 4 इंची ढलाई हो रहा है, सिर्फ 4 इंची हो रहा है, 1 इंची यहाँ कम है, क्या समझे, सीधे सीधे 1 इंची कम है। और आगे देख लीजिए यह कार्य हो रहा है, यहाँ आप कौन है, ग्रामीण है, यह कार्य सही हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है ना कार्य, पूरे गलत है, मतलब यह 5 इंची भी नहीं हो रहा है, उसमें भी कम है। ओ अच्छा, आप कौन है, आप भी ग्रामीण है, क्या यह कार्य सही हो रहा है? नहीं सर, सही नहीं हो रहा है, उसका काम तो गलत ही हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और अभी जो ठेकेदार मेरे साथ बात किया है वो क्या सही बात किया है? सही बात नहीं, वो गलत, बिल्कुल यहाँ दबंग ठेकेदार है, दबंगई का खेल हो रहा है, यहाँ आंख दिखा के 4 इंची कर रहा है, हमको कह रहा है कि आप देखिए 4 इंची है, यहाँ 5 इंची है, यहाँ सोंठी को सीधा कीजिए, भैया कितना सीधा करे, सीधा करते करते तो साला बिहार बाग पागल हो गया, लेकिन बिहार सीधा नहीं हुआ, हम सब क्या सीधा होंगे, यहाँ का पब्लिक क्या सीधा होगा, पब्लिक कह रहा है, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, रोड पीछे क्रेक हो रहा है, आगे कोई देखने को तैयार नहीं है, यहाँ प्रतिनिधि से लेके यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, सभी करप्ट हैं, और करप्ट वाला आवाज़ निकलता है। अभी हम आए हैं, किसी से बात भी नहीं किए हैं, प्रेम से सिर्फ हम देख रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा बात किया गया ना जिसका जवाब नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं ना, यह 4 इंची ढलाई हो रहा है, 4 इंची से ज़्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ का पब्लिक भी नाखुश है इस कार्य से, कोई पब्लिक खुश नहीं है, आप लोग कोई खुश है कि नहीं है भैया? कहाँ मुखिया जी, यह जो हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ 4 इंची हो रहा है, तख्ता 5 इंची का है, और रोड आपका 4 इंची बन रहा है, आप इससे खुश हैं? कहीं खुश रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि उसको गिट्टी पर दीजिए, दे ही नहीं रहा है, और नहीं दे रहा है, मतलब रोड कहीं ना कहीं खराब है। यहाँ के उप मुखिया जी भी कह रहे हैं कि रोड का कार्य सही नहीं हो रहा है, और पीछे रोड क्रेक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप होइएगा, कौन सा पदाधिकारी होगा, ठेकेदार होगा, कोई नहीं है। धन्यवाद। क्या करेगा, माफी लेकर के करेगा, जहाँ पर ज्यादा है वो आनंद देता है। एक सेकंड, सरपंच साहब इधर आइए, हेलो सरपंच साहब, सरपंच साहब अभी हमसे बात कर रहे हैं, आप लोग सुनिए, क्या सरपंच साहब, सरपंच साहब क्या आप हमको बोले, एक सेकंड सुनिए ना, आप हमको क्या बोले, इधर आइए, रोड जो करेक हो रहा है, जहाँ पर आप इधर आइए, सही कर रहा, इसको हमने कई बार बोला, आज तक नहीं बोला, हम कैसे आप कह रहे हैं, रोड हर जगह, आप इस पंचायत का उप सरपंच हैं? हम यहाँ का उप सरपंच हैं जी, जहाँ पर मिट्टी नहीं था, खबड़ा हुआ था, वहाँ पर गिट्टी डलवाए हैं, वहाँ पर जो है न्यापी से हम लोग 5 इंची इससे ढलवा रहे हैं, 5 इंची आप ढलवा रहे हैं, ठीक, इस रोड में कोई भी गड़बड़ी होगी इसके, इसका जिम्मेदार प्रॉपर आप हैं, यही ना कर रहे हैं, आगे रोड टूट रहा है, इसका जिम्मेदारी आप लेंगे, कच्ची रोड ढलाई किया, गाड़ी चले गया, रोड टूट गया, ठेकेदार क्या करेगा, आप कैसे हमको बोल दिए कि आप अपने क्षेत्र में कीजिए, यहाँ का पब्लिक, ये आपका क्षेत्र है, सुरक्षित करना होगा ना, यह आपका क्षेत्र है, यह आपका क्षेत्र है, आपका सुनिए, आप क्या बोले, उप सरपंच आपका कार्य क्या है, रोड बनवाना, रोड बनवाना आपका कार्य क्या है, मेरा काम है, आपका कार्य क्या है, आप हमको कार्य दिखाए, जो है नया सर जी, हम मानवाधिकार सहायता संघ सुपौल जिला अध्यक्ष, और जो सुपौल मेरा है, सुपौल में कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी होगी हम जम के आवाज उठाएंगे, और यहाँ का यह उप सरपंच है टूटी पंचायत का, और सरपंच का कार्य क्या होता है इसको खुद पता नहीं है, और यह आया हमको सरपंच गिरी दिखाने के लिए, यहाँ देख सकते हैं यहाँ का उप मुखिया है वो नाखुश है, यह मुखिया का कार्य है, मुखिया यहाँ कहेगा कि कार्य खराब है तो खराब है, लेकिन उप सरपंच का दायित्व तो नहीं होता है कि किसी कार्य का खराब या ना खराब कहना, किसी कार्य को खराब या ना खराब सरपंच नहीं कह सकता है, जब सरपंच नहीं कह सकता तो यह तो उप सरपंच है, अपना काम का जिम्मेदारी इसको दिखना चाहिए, ये लोग पदाधिकारी बन के प्रतिनिधि बन के इस समाज को बेचने का कार्य किया है, और ऐसा ऐसा प्रतिनिधि के वजह से मेरा समाज का यह दशा है, दशा दिशा बदलना है ना, तो ऐसा करप्ट पदाधिकारी हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, इसके खिलाफ जम के आवाज उठाना होगा, अपने आप को बहुत समझदार समझता है, सारा रिश्वतखोर ठेकेदार और रिश्वतखोर यहाँ का प्रतिनिधि है।
ठीक है, और भी जानना चाहेंगे। यहाँ आइए। ये क्या है आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये 2 इंची ढलाई हो रहा है, सिर्फ 2 इंची हो रहा है, और 2 इंची ढलाई जो हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार यहाँ का उप सरपंच है। पैसा खा लिया है मुँह में, पैसा है, जो पैसा खाता है ना वो घुसखोरवे तरह बात करेगा, समझ गए? घुसखोरवे तरह बात करेगा। यहाँ का वो सरपंच बोल दिए ना, यहाँ का कोई भी एक भी यहाँ का ग्रामीण हमको कह दे कि यह काम सही है, हम मान जाएंगे। और आप भी इस प्रकार से देखिए, आगे आइए देखिए। अरे आप उसको चलाइए, आप मशीन चलाइए। आप जैसे कर रहे हैं ना, आप जैसे सुनिए ना। अरे सर, हम भी सिविल इंजीनियर हैं, और कह दीजिए जो सही है ना, जय को कह दीजिएगा कि बर्जेश मेहता आया था यहाँ पे, समझ गए? जिसको सुनिए ना, जिसको जो करना होगा ना हमसे कर लेगा, कह दीजिएगा, समझ गए? यहाँ पे जो है, हेलो, बिना जई के उपस्थिति में, यहाँ जई नहीं है उपस्थित, बिना जई के उपस्थिति में यह कार्य हो रहा है, और इसका सीधा सीधा जिम्मेदारी जई के ऊपर जाना चाहिए। यह जई के वजह से इस प्रकार की परेशानी हो रही है। जई सरकार नियुक्ति दे देता है जई को, बस जई घर में सुतले रहता है, रोड पे नहीं आएगा देखने के लिए, सिर्फ आएगा मुंह दिखाने के लिए, रोड बन गया। अरे तोरा बाप का रोड है, तुम्हारा बाप का रोड है, यह किसी का बाप का नहीं है, यह पब्लिक का बाप का रोड है, और कोई पब्लिक के सामने में बोलेगा ना उसको सीधा 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 करेंगे। क्या हो, अभी जो सरपंच जी बोल रहे थे सही बोल रहे थे? हम वार्ड सदस्य मोहम्मद असलम, वार्ड नंबर 8 का वार्ड सदस्य है, और सरपंच साहब जो अभी बोले हैं कि सही काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम नहीं हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है, इसलिए कि दबंगाई पे ठेकेदार उतर गया है और इसके अलावा और कुछ नहीं करता। आप देख सकते हैं कि 4 इंची से ऊपर ढलाई नहीं है, 3.5 इंची, 4 इंची है, 5 इंची का, 5 इंची और बीच में 2 इंची है, 2.5 इंची है, आप देख सकते हैं कितना इस तरीका से नहीं करना चाहिए। यहाँ का जनता पूरा विरोध कर रहा है, जो जनता पूरा विरोध कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जो उप सरपंच जी बोले हैं, जैसे बोल रहे हैं उसके आवाज से आपको क्या पता चलता है, आवाज संलिप्त है ना? ये तो बिल्कुल बिल्कुल संलिप्त है इसमें एकदम पूरा। और अभी के डेट में हम दिखा रहे हैं, यह ठुटी पंचायत है, यहाँ के अभी उप मुखिया है, वार्ड सदस्य है, और ये सब और यहाँ के आम नागरिक सब है, वो सीधे सीधे इस काम को गलत बता रहा है, लेकिन उसी बीच में आके उप सरपंच जी कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा है, आप अपना क्षेत्र में जाके करवाइए, हमारे क्षेत्र में काम होगा ना, इस क्षेत्र का काम का जिम्मेदार हम है। कहिए, एक पत्रकार को, एक जिला अध्यक्ष को, एक ट्रस्टी को ये लोग किस प्रकार से बोल रहा है? क्या मेरा अधिकार नहीं है इस समाज में? मेरा भी घर टूटी पंचायत है, और इसी सुपौल डिस्ट्रिक्ट के छातापुर प्रखंड अंतर्गत टूटी पंचायत में मेरा घर है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जम के आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।